हेलो फ्रेंड्स, आज हम शरबत बनाते हैं। गर्मियों का सीज़न आ गया है तो ये लू लगना, गर्मी लगना, पेशाब की जलन, हाथों पैरों में जलन, आँखों में जलन और पेशाब रुक रुक के आना या कम आना और शक्तिवर्धक टॉनिक है ये आयुर्वेदिक नेचुरल टॉनिक। कैसे तैयार करना है? गुलाब के फूल जिससे गुलकंद बनता है, 4 गुलाब के फूल लेने हैं। उनकी पंखुड़ियाँ उतार के अच्छी तरह धो के एक बर्तन में रखें और खोपरा, जो नारियल पका होता है उसको खोपरा बोलते हैं, उसके छिलके ऊपर से काला हल्का ब्राउन छिलका होता है उसको चाकू से छील कर आधा नारियल, खोपरा आधा, उसको रात को पानी में भिगो देना है और 4 चम्मच खसखस, उसको भी किसी पतले कपड़े में पोटली बनाकर पानी में भिगो दें। उसके बाद चौथा आइटम है धागे वाली मिश्री। अब कैसे बनाना है? गुलाब की पंखुड़ियों को धो के सुरक्षित रखें, रात को खोपरा छिला हुआ ऊपर से छिलका रात को भिगो दें और खसखस को भी भिगो दें। सुबह खसखस को अच्छी तरह से रगड़ के कुंडी सोटे से बारीक बना लें और 1-2 चम्मच पानी मिलाना पड़े तो बाद में मिलाकर और रगड़ें। खोपरे के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में अच्छी तरह पीस लें। इसको पीसते वक्त गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल दें और खसखस का जो पिसा हुआ पेस्ट है वो भी डाल दें। अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई, मिक्सी को खूब चलाएं और अच्छी तरह पेस्ट बना लें। उसमें 1 गिलास पानी मिलाएं और फिर से चला दें ताकि वो मिल जाए। इस सारे को कपड़े से छान के अच्छी तरह पोटली बना के निचोड़ निचोड़ के दूध निकालना, इसका दूध सा निकलता है, उस दूध को सुरक्षित रखें। पीना है उस टाइम सिट्टे वाली नहीं, धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री से मीठा करना है। बड़े के लिए है ये डोज, बड़े आदमी इसको एक ही बार में पी सकते हैं और सुबह खाली पेट पीना तो बेस्ट है, अमृत के समान है। ये बलवर्धक है, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला, गर्मी को दूर करने वाला, पेशाब लगाने वाला। और बच्चों को कैसे दें? छोटे बच्चे हैं, जैसे 1 साल का बच्चा है 1 चम्मच दे सकते हैं, 2-3 साल का बच्चा है 1.5-2 चम्मच दे सकते हैं, लेकिन मीठा उसी टाइम मिलाना है जिस टाइम देना है, जिस टाइम पिलाना है उसी टाइम मीठा मिलाना है। मीठा मिला के शरबत को रखना नहीं है। अच्छा, उससे बड़े बच्चे जैसे 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, उनको 3-4 चम्मच तक दे सकते हैं। उसके बाद के बच्चे 4 साल, 5 साल, 10 साल से बड़े यानी 17-18 साल तक के बच्चों को बड़ों की आधी मात्रा देनी है। इसके अंदर परहेज़ ये है, खटाई, अचार, पूरी पकौड़ा, तली हुई चीज़ें, मसाले वगैरह, मिर्च वगैरह नहीं खानी। बहुत फ़ायदेमंद है, अजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी अजमाएं। और दस्तों को भी रोकता है, गर्मी से लगे हुए दस्त हों उनको भी रोकता है, खूनी दस्तों को भी रोकता है। धन्यवाद।